हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। व्हाट इट सेज, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है 7 years ago। सबसे पहले तो आफ्ताब और डॉटर के बारे में बात हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, लेट्स एज ऑफ आफ्ताब, और वी कैन से लेट आफ्ताब्स एज इज एक्स एंड daughter's age is y, years, that's in years, okay? Now what, क्या बोल रहा है, 7 years ago। अब 7 years ago की बात चल रही है, 7 years ago मतलब क्या होगा, आफ्ताब का प्रेजेंट एज तो x है, 7 साल पहले कितना हो जाएगा, 7 minus x, this is for the 7 years ago, 7 years ago, okay? 7 minus x कौन हो गया, आफ्ताब हो गया, और डॉटर भी क्या हो जाएगी फिर, y-7 हो जाएगा, सॉरी x-7 और y-7, क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, आई वॉज 7 times as old as you were then, मैं तुमसे 7 साल ज्यादा बड़ा रहूंगा जितनी उस समय पे तुम रहोगी। इसका मतलब क्या, आफ्ताब की 7 साल पहले एज कितनी थी, इतनी, और मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा रहूंगा, उस टाइम पे मैं तुमसे तब पे 7 गुना ज्यादा था। इसको सॉल्व कर लो, x-7 = 7y-49। सॉल्व करें इसको, x-7y वेरिएबल्स टर्म एक तरफ ले आते हैं, बाकी को एज इट इज करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -42, और ये हो जाएगा x-7y। तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन है हमारे पास कि, हमारे पास कंडीशन क्या है, अब दूसरा नेक्स्ट है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब इस एज के बाद, जो अभी प्रेजेंट एज है, तो 3 years फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 3 years देखें हम, आफ्टर 3 years, ओके। तो आफ्ताब की एज कितनी थी, एक्स, आफ्टर 3 years कितनी हो जाएगी, x+3, डॉटर की एज कितनी थी, वाई, y+3 कितनी हो जाएगी, 3 साल के बाद। अब क्या बोल रहा है वो, आई शैल बी 3 times as old as you will be, तुम तब जितनी रहोगी मैं तुमसे तब भी 3 गुना ज्यादा रहूंगा, ज्यादा गुना बड़ा रहूंगा, ओके। तो फिर से पुट करते हैं इसे आफ्ताब के जगह पे a+3, x+3, और 3 d के जगह पे y+3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, एक मिनट ना, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया ये, x+3 = 3y+9, x-3y = 9-3, कितना हो जाएगा ये, x-3y = 6। ये मिल गया हमको दूसरा इक्वेशन। अब अच्छे से इसका प्लॉटिंग कर लें हम, अगर ज्यादा नहीं लेंगे, दो दो पॉइंट ही लेते हैं, दो दो पॉइंट से हो जाएगा, ओके। तो अब हम इसका प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, एक्स वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है एक्स और वाई, और ये वाला भी फर्स्ट, ये वाला सेकेंड इक्वेशन के लिए, ओके। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, अगर मैं करूं कि मैं क्या करूं, अब इसमें हम पुट करते हैं x = 0, x = 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, क्लियर? तो x 0 हो गया, तो ये कितना बचेगा, -7y = -42, -minus get cancel, तो y = 42/7, that becomes 6, तो एक वैल्यू कितनी मिल गई, 6। अब अगर मैं x की जगह पे 7 रख देती हूँ, 7y = -42, x की जगह पे 7 रख दिया, तो ये कितना हो गया, इतना -42, इधर जाके माइनस हो गया -7, तो ये कितना हो गया -49, और ये -7y, माइनस माइनस गेट कैंसिल, y = 7।
तो अगर मैं x की वैल्यू 7 रखी तो y कितना मिल गया मेरे को 7। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब इन द सेम मैनर मैं सेकेंड इक्वेशन अगर देखूं तो सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं y की जगह पे 0 रख दूं, y पे 0 रख दिया तो x में को ऑटोमेटिकली 6 मिल जाता है। और अगर मैं y की जगह पे 1 रख दूं, 1 रख दी अगर मैं y की जगह पे, तो ये कितना आ जाएगा 1 into 3, 3 माइनस में और ये 6। तो x equals to 6 plus 3 that is 9। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को 9। अब हम एक काम करते हैं, अब हम प्लॉट कर लेते हैं इसको। ओके इसी पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, अब प्लॉट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के लिए। ओके यहाँ पे ठीक है, ये कंफर्टेबल जहाँ पे हो, जस्ट मिनट हाँ। ओके यहाँ पे ठीक है, अब हम प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है 0 6, मतलब x में 0 और y में 6, तो हमें ये पॉइंट मिला एक। ठीक है फिर क्या है 7 7, अब ये भी 7 और ये भी 7, मतलब ये वाला 7 आ रहा है यहाँ तक। ओके 7 7 हो गया, तो अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। लाइन ड्रॉ कर दिए भाई हम, सॉरी अच्छा तो एक बार करके देखें। ये एक लाइन ड्रॉ हो गया, ये कौन सी लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। अब सेकेंड वाला पॉइंट प्लॉट करते हैं, सेकेंड पॉइंट प्लॉट में पर्पल में करती हूँ। 6 0 मतलब 6 x में और 0 y में, ये हो गया। अब 9 x में और 1 इस पे, मतलब सॉरी ये 9 और ये 1। ओके तो ये वाला लाइन हो गया। अब ये लाइन हो गए तो अब इनको ड्रॉ कर लें, अगर हम ये लाइंस ड्रॉ कर लें तो ये कितना हो जाता है, ये लाइंस ड्रॉ हो गई ऐसे ही कुछ होगा। ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सेकेंड इक्वेशन दैट इज एक्स माइनस 3 y इक्वल्स टू 6 और ये फर्स्ट इक्वेशन दैट इज एक्स माइनस 7 y इक्वल्स टू माइनस 42 का। ओके हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा। गाइज अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।